समझ में है, अब तक आपने कितना गांव का कवर किया, कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, मेरा तकरीबन 90% एरिया सारा कवर हो चुका है और अब मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ। आज खरपोता सब्जी मंडी में किया, पूरा खरपोता शहर बाजार हर जगह हम डोर टू डोर कर रहे हैं। पूरी लोकल की टीम है और सारे सम्मानित साथी पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी पूरे जोर शोर से चुनाव का, क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार का, तो पूरा आखिरी दम लगाने के लिए हर कार्यकर्ता आज इस पदयात्रा में और इसे डोर टू डोर में सभी कंपेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपको जैसे आज पीएम जो है प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इधर से जो सोनीपत कांग्रेस प्रत्याशी है वो गुहाना में रैली कर रहा है, तो क्या असर लगता है, क्या इनकी रैलियों से कुछ असर होने वाला है? देखिए जी, मैं तो अकेला ही और सारे अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ पदाधिकारियों के साथ जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई उस दिन से लेकर आज तक हम तो एडी चोटी का जोर लगा के दिन रात एक करके चुनाव अभियान पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। वो रही नरेंद्र मोदी जी की बात, उससे कोई असर होने वाला है नहीं, क्योंकि पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक लोगों को झूठे वायदे और बरगलाने वाली और एक जुमले के हमेशा से बात की है। अब उनके पास एक राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन अब देश की जनता और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि इन जुमलों से पेट भरने वाला नहीं है, जो बेरोजगार और भाषणबाजी से लोग बाद उसके झांसे में आने वाले हैं नहीं। प्रधानमंत्री की बजाय अब उसको झांसा प्रधानमंत्री कहने लगे हैं, तो इन बातों में अब कोई दम और सच्चाई रहनी है। अच्छा, कांग्रेस की जो कांग्रेस की खाली रैली करते हैं गोहाना में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, या फिर रोड शो करते हैं लोगों के बीच में आमना सामना, जैसे हम रूबरू लोगों से हो रहे हैं, चाहे दुकानदार हो, व्यापारी हो, छोटा कर्मचारी हो, किसान हो, कमेरा हो, सबसे जो हम रूबरू होके उनसे बात कर रहे हैं, तो वो इस बात से थोड़ा घबराए और चिंतित हैं कि कहीं लोगों के मैं बीच में जाऊं और जो 10 वर्ष का शासन मैंने इसे सोनीपत की जनता की कहीं अनदेखी की है, भेदभाव की नीति रही है और जिस प्रकार से एक सौतेलापन जिस हिसाब से रहा है उसका कोई जवाब ना मांग ले, और उस आरक्षण की आड़ में जो 32 जाने गई थी और ये हरियाणा रोहतक जला, झज्जर जला और ये सोनीपत जला, उस समय कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं जाके छिप गए थे और दिल्ली में जाके या हरियाणा से गायब हो गए थे, तो कहीं लोग इस बात की ना चर्चा कर लें कि जी उस दिन आप कहाँ थे, आज वोट मांगने के लिए आप हमारे पास आए हैं, तो इस बात से घबराए और चिंतित पूर्व मुख्यमंत्री खाली जनसभा या फिर एक रोड खाली यात्रा जो कर रहे हैं रोड शो, इसके अलावा कुछ। अच्छा भाई साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक केंद्र एक बयान दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश को जलाया, इसके बारे में आपके क्या व्यूज आ रहे हैं? मैं इसके बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और निश्चित रूप से, लेकिन इनमें खट्टर जी का भी पूरा हाथ है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी का भी पूरा हाथ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी का इसलिए हाथ है कि उन्होंने आधा अधूरा जो आरक्षण दिया और आरक्षण की जो चिंगारी फेंकी गई उसमें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाथ है, और उसके बाद जो सरकार की एक नाकामियाँ अफसरशाही हैवी होना और एक बे तजुर्बे का अगर कोई सीएम कहें तो अनुभवहीन मुख्यमंत्री, तो उसका ये परिणाम है कि एक बार नहीं हरियाणा 4 बार जलवाया, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी शायद भूल गए, ये 4 बार उनके कार्यकाल में हरियाणा जलने का काम किया है और उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि लोगों का जो नुकसान हुआ कहीं राम रहीम के नाम पर, कहीं संत रामपाल के नाम पर, कहीं आरक्षण के नाम पर, और एक बार और हरियाणा जला तो ये लोगों के मन में बहुत भारी रोष है और इसका जवाब मुख्यमंत्री खट्टर। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान जो है आपकी तरफ से किस प्रकार से आप लेते हैं कि जो है सारे जाट इकट्ठे हो जाओ, ये इसलिए पूछ रहे क्योंकि आप भी जाट कैंडिडेट हैं, तो जाटों को एक मंच पर आने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई बाकी सब छोड़ दो, अब राज है चौधरी जो ना सारे के सारे जाट एक साथ में आ जाओ। लेकिन जिस हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, 10 वर्ष का जब उसका शासन रहा, इस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, तो तब उन्होंने जाटों का क्या किया? आज वो जाटों को आह्वान कर रहे हैं, इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं और सरासर एक जात पात की राजनीति, एक विशेष जाति को टारगेट करके, ये 36 बिरादरी का हरियाणा है, इनमें 36 बिरादरी का सम्मान होना चाहिए और मैं इस बात की कड़ी आलोचना करता हूँ अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात की किसी एक विशेष जाट जाति के लिए इकट्ठा होने के लिए कहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 36 बिरादरी के काम किए, चाहे वो वाल्मीकि हो, आपकी धानक बिरादरी हो, कोई भी हो, और सबको मंत्री बनाया और सबको MLA बनाया,
से कुम्हार जाति से हमारा रणवीर गंगवा को राज्यसभा में भेजने किया, राम कुमार कश्यप जो एक झीमर जाति से है उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया, चरणजीत रोड़ी जो एक वाल्मीकि हैं उनको सरसा से एमपी बनाया। तो ये एक इस बात को दर्शाता है कि किस तरह की एक छोटी मानसिकता का परिचय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो आज दिया है, मैं इसके बहुत कड़ी आलोचना करता हूँ। अच्छा, तीन में जैसे रैली कर रही है आप आदमी और जेजेपी कर रहे हैं, कह रहे हैं राजधानी बनाएंगे, गोहाना को जिला बनाएंगे, जो बुजुर्गों का मान सम्मान कर नहीं सकते, और अब हिसार रैली में तो आपने देख ही लिया उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह को भी जिस हिसाब से अपमानित किया है, और रैली में ना आने दिया ना बोलने दिया, और केजरीवाल ने ये कह दिया कि मैं उसके साथ मंच साझा नहीं करूँगा, और ये आपके सामने है। पहले उन्होंने अपने दादाजी का अपमान किया और फिर उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जो अपमान किया सही मायने में उसी टाइम गठबंधन तोड़ के, और उन शरेआम ये कहना चाहिए था कि हमारे आदरणीय हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, वो तो मंच पे आएंगे ही आएंगे, आप केजरीवाल जी आए या नहीं आए, लेकिन राजनीति कितने लेवल पर गिर सकती है ये इसका प्रमाण हिसार की जो रैली में देखने को मिला। और आज वो रैली करें या रैला करें इस बात से अब लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया, जो अपने फादर की बाप की इज्जत नहीं कर सकता, जो लोहपुर चौधरी ओम प्रकाश उनके दादा की इज्जत नहीं कर सकता, वो हरियाणा वालों का सोनीपत के मतदाताओं का क्या वो भला करेंगे, क्या वो मदद करेंगे, और क्या उनका स्वाभिमान बरकरार रखेंगे जो अपना स्वाभिमान गिरा करके और इस हद तक जो गिर गए हैं। मैं तो इस बात की भी कड़ी आलोचना करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि जो इनेलो और जेजेपी ये दोनों कैंडिडेट मिलकर उनके जो वोट काट रहे हैं, अगर तो ये जो ना साथ देते तो वो जीत जाते। उनकी कोई दादालाई सीट थी उनकी जो वोट काट रहे हैं, उनको वो घर से लेके आए थे, मतदाता का सबका अपना अधिकार है, वो जिसको चाहे वोट देंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत बड़ा यहाँ आधार रहा है सबका, 36 बिरादरी का उन्हें भला किया है, विकास किया है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 वर्ष के शासन में आज उसको जाटों की याद आई है, सोनीपत की याद आई है, 10 वर्ष पूर्व जो विकास कार्यों में जो अनदेखी की और जो नौकरी जो कलोई में खाली रेवड़ी की तरह बांटने का काम किया, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जी ये अपनेपन की बात कहाँ थी जो आज इस तरह की आलोचना आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो बहुत ही आज एक गलत दिशा में पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बड़े, और इतना अनुभव होने के बाद भी मैं इसकी कड़ी आलोचना कर रहा हूँ कि उनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है।